हेलो भाई, मैं उमर। अभी मैं खड़ा हुआ हूँ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के नीचे और आपसे बात करने वाला हूँ क्या साइड कुछ अपडेट्स के बारे में। 2022 वाली हैं? 2022 नहीं बलेनो, आगे लगती है। ये तेरी वीडियो देख रहा था मैं, मुझे पता ही नहीं है भाई कैसी लगी फिर देखने में। बढ़िया लग रही है यार ये वाली तो। चल चल लेते हैं फिर। मतलब जो भी कुछ अच्छा लगेगा वही ले लेगा क्या तू? हाँ तो बलेनो तो हमारी प्यारी है ना, तो बलेनो लेके आते हैं। पुरानी बेची क्यों थी भाई? तुझे किया सेल्टोस दे तो दी। हाँ तो किया सेल्टोस दे दी तो इसका क्या मतलब हुआ? बलेनो लेकर आएंगे ना, छोटी गाड़ी भी तो सही है ना। नहीं यार बलेनो का क्या करेंगे यार, वो पहले लोग उसको टीन का डब्बा तो कहते थे। यही तो सरप्राइज है। इस बार टीन का डब्बा नहीं रही है बलेनो, इस बार बलेनो की बिल्ड क्वालिटी को सुधार दिया गया है। अरे मैंने सुना था ना, पहले रूमर्स फैल रहे थे कि हाँ इस बार बिल्ड क्वालिटी सुधर जाएगी, तो इस वजह से मेरे को पता है। तो चल अब नहीं लेके आते हैं बलेनो। नहीं यार नहीं, पैसा बहुत है। मैं दे रहा हूँ ना पैसा, तेरे को क्या दिक्कत है? अच्छा हाँ चल, तो फिर पास में ही शोरूम है। चलो भाई आज जला के लाते हैं आकाश को न्यू बलेनो। कौन सा मॉडल लेगा फिर ये तो बता। इसका टॉप अल्फा होता है ना। हाँ तो वही लेंगे ना। अरे हेडसअप डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा, वो तो तेरे सेल्टोस में भी नहीं आता। हाँ तो ये बेस मॉडल है ना, वो टॉप रहेगी ना इसलिए। अरे लोग कह रहे थे कि इसकी सेफ्टी ज्यादा, उसमें सेफ्टी आ रही है। हाँ, आजकल बिल्कुल। हाँ, तो इसीलिए ले रहा है था तू। चलो भाई फिर यहाँ पे पूछ के आते हैं, आज हैंड टू हैंड दे दे तो है। 10-10.5 लाख रुपए नगद कैश। नगद कैश है ना? हाँ हाँ बिल्कुल है, जेब में रखे हैं। चलो फिर भाई फटाफट चलते हैं। अभी सर उनको थार की आदत हो गई है, तो ये देखो इस बलेनो के साथ जीरो। अभी तोड़ दे तो छोरा, या कहते ही तू है या सेल्टोस के साथ में ऐसी हरकतें करने लग गया है। कोई नई गाड़ी तो ले रही है आज बलेनो। तो अगर मतलब तेरे को थार चलाने की आदत होगी, इट डजंट मीन कि तुम किया सेल्टोस के साथ में ये सब करेगा। ठीक है जा जा बलेनो चाहिए। अगर ये 4x8 है ना फिर नहीं दिलवाऊंगा। तू कौन सा दिलवा रहा हो? पैसा तो मेरा है। तू आदत है कि लगे तो या चीज कहने की है? मैं तो आदत है कि लगे अपने पैसा के करने की। मैं दिलवाऊंगा। भाई ये हम पहुंच चुके हैं डीलरशिप पे, जो मारुति सुजुकी नेक्सा है। यहीं से पहले हमने अपनी मारुति की बलेनो ली थी। फाइनली ये आकाश का फेवरेट ब्रांड है। इसमें इसको जो सबसे फेवरेट गाड़ी है इसकी वो एस्प्रेसो है। वो तो अभी नहीं लूंगा, वो मैं बाद में लूंगा, उसके लिए स्पेशल डे आए हैं। हाँ तो अभी चलते हैं बलेनो के बारे में पूछते हैं। भाई आज कौन सा कलर लेना है आपको? मेरे को लेना है ऑरेंज। वो मिस्टिक के ऊपर जो आया है नया। यस इग्निश मिल सकती है क्या? इग्निश भी पसंद है क्या तुझे? एस्प्रेसो से कम। जो ऑन रोड प्राइस पड़ रहा है 1044 का पड़ रहा है। 1044 का टॉप अल्फा। टॉप अल्फा वेरिएंट। अच्छा जी। अब ये इसका टॉप वेरिएंट अल्फा जो है, यहाँ पे देखो लेदर वेदर भी यूज किया गया है। वैसे आप इतनी सारी वीडियोस देख चुके होगे क्या क्या आपको मिलता है, तो फीचर्स तो क्या ही दिखाना भाई, सब तो आपको पता ही है। 10 इंच की स्क्रीन हो गई, एयर कमिंस का साउंड सिस्टम हो गया। अभी आकाश बातचीत कर रहा है इनसे कि भाई क्या सिस्टम बैठेगा। अभी रेड कलर तो खड़ा है इनके पास, लेकिन जो इसको चाहिए ना वो है नहीं। इसको चाहिए वो कॉपर कॉपर सा कलर, तो भाई कहीं और ही चल के पूछना पड़ेगा अपने को। वैसे ठीक है यार, ये जो टॉप वेरिएंट है ना, ये तो थोड़ा लगता है प्रीमियम सा, पर वो नीचे वाले सारे ऐसे अजीब अजीब से कर दिए हैं, जिनमें यहाँ पे मैट कर दिया है स्टीरियो के साइडों में। पहले अच्छे हुआ करते थे मेरे ओपिनियन में। तो ये वाला कलर चाहिए था कास्को, पर ये टॉप वेरिएंट अवेलेबल ही नहीं है भाई यार। ये तो बेस है, बेस की आप पहचान कैसे करोगे? इसमें आपको यहाँ पे ये मिलता है, और वो उसकी भी डिलीवरी हो रही है। तो कहीं गुड़गांव चल के पूछते हैं, मतलब ये वाला कलर टॉप वेरिएंट में मिल जाए तो, अगर क्योंकि ये न्यू कलर आया है बलेनो में। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी इस बार अच्छा कर दिया, जैसे पहले बेस मॉडल में वो एक ही रहा। और बेस मॉडल में ये देख, इस बार इन्होंने अलॉय व्हील लगा दिए भाई, तो ये टॉप है और ये आपका बेस है 15 इंच वाला, मतलब डिफरेंस पता नहीं चलेगा। तो अलॉय व्हील्स में तो काफी ऐसे वो हो गया है सुधार, देखना जिनके से आफ्टर मार्केट करवाने का शौक है। ये टॉप खड़ा है इसका, ये देखो ये टॉप हो गया और ये आपका हो गया बेस। चारों पावर विंडो और ये कलर यहाँ पे उजाले में ब्लू दिखेगा, अंधेरे में ब्लैक दिखेगा। अच्छा और यहाँ पे देख बेस में भी एक फैब्रिक यूज करा गया है, काफी सुधारी है यार। मतलब बेस वेरिएंट लेना वर्थ है यार। बस अभी तो तू ऐसे बुराई कर रहा था कि नहीं नहीं मेरे पास पैसा बहुत। अरे मेरे को तो टॉप चाहिए, मैं जिन भाइयों को बेस लेना मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ना ना बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इतना छोटा कितना गंदा, ये तो बेकार कर दिया। पहले यूनिक लगता था कि नेक्सा की गाड़ी में आपको अलग स्टीयरिंग व्हील मिलता है, लेकिन यार इस बार पता नहीं क्या ही करा है। कितना गंदो लग रहा है। अरे ना मेरे नेक्सा में डिफरेंस क्या रह गया?
और यहाँ पे भाई सारे वेरियंट है देखो, सब ये येलो व्हील पिक कर रहे हैं बेस वेरियंट वाले, और बेस वेरियंट थीज का सबसे ज्यादा बिकने वाला है क्योंकि अब सबसे ज्यादा मोस्ट वैल्यू फॉर मनी यही है। चल ना भाई अब तू चल फटाफट, है टॉप लेंगे यार, तू बेस बेस में मत बैठ, आ जा चल। सॉरी पास्को, हमको गुड़गांव जाना पड़ रहा है क्योंकि आपके पास तो वो वाला है नहीं, पहले हमने यहीं से निकाली थी आकाश अपनी बलेनो भाई, यहीं से सोचा था आज भी इसी से निकल जाए, बट ये चाहते ही नहीं है कि निकले यहाँ से। चलो कोई बात नहीं यार, अब आगे वो लगे होंगे और तू ना हर चीज नई नई ट्राई करते रहने चाहिए ना, नए नए शोरूम्स का एक्सपीरियंस कैसा है। सैड मत हो, गुड़गांव में दिलवा दूंगा तेरे को पक्का, मिल जाए यार, बस मेरे को लेके जानी है आज, मिल जाएगी मत ले भाई, टेंशन मत ले। क्या चाहता है ये भी ड्रामे बाजी, अरे वहां तो उतार फुल एक्टिंग बाजी बना रहे हैं ये अरे कहने का मतलब वही है यार, फाइनेंस थोड़ी करवा रहा है तू, फाइनेंस ये क्या होता है। सही है, सही है। अब मैं आकाश को लेके आया हूँ भाई सेक्टर 14 गुड़गांव के नेक्सा शोरूम में। ये यहाँ पे नेक्सा है, पहले तो भाई गुड़गांव में पार्किंग ढूंढने की बहुत समस्या है, यहाँ पे मैंने एक बार रोड पे पार्क कर दी, मेरे को आज भी याद है वो दिन टो करके ले गए थे उसको। चलो भाई पहुंच गए हम सेक्टर 14, यहाँ पे नेक्सा पड़ता है, यहाँ पे टॉप मॉडल मिल जाए तो ठीक है भाई, क्योंकि आकाश की बहुत हृदय इच्छा है कि वो ले, उसका चेहरा भी उतर गया है, तो यहाँ पे देखते हैं कोई मिलता है या नहीं। सर मेरे को जेटा चाहिए, मेरे को पैसा बहुत है, मेरे को टॉप मॉडल चाहिए गाड़ी का, भले पैसा लेके आओ भाई आज, क्योंकि एक गाड़ी खड़ी है ठीक है, और ये खड़ी है क्या अल्फा आपके पास, खड़ी है ये खड़ी भाई, ये अल्फा ही है। अरे हमने एक जगह देखा था कि सिग्मा में ऐसे अलॉय व्हील लगा रखे थे, हम कैसे विश्वास कर लें। नहीं भाई सिग्मा में नहीं है ऐसे, नहीं मेरे को पता है उन्हें चीज का विश्वास वो हो सकता है, लेकिन हमको तो आगे वो वाला कलर चाहिए मिस्टिक कॉपर। नहीं नहीं अब जो मिल रहा है बस वो ले ले लो, बस उठा लो, बस जो मिल रहा है वो लेने दे अब बस, ठीक है। अच्छा तो सर कितने की पड़ जाएगी ये? पड़ेगी भाई आपको, आपके लिए 100 रुपए का डिस्काउंट, हाँ 10,33,900 रुपए बस। अरुण आरटीजीएस प्लीज करिए, वो करिए बैंक डिटेल शेयर करिए भाई, छोड़ो मजाक की सब बातें, आप मिलिए दीपक भाई, कैसे हो? बढ़िया भाई, हमारे दीपक भाई को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस न्यू बलेनो 2022 अल्फा के लिए। ये आकाश ओवर एक्टिंग कर रहा था, आकाश अब कभी, आकाश तू वैसे सुन एक बात बता, सुन ये अब नया ओनर है इसके सामने ही बता, तू कभी बलेनो लेना पसंद करेगा अब? ना, ना, 10.5 लाख रुपए की रेंज में, ऐसा क्यों? ए यार बेकार लग रहा है, छोटी गाड़ी है ना, 10.5 लाख रुपए में ज्यादा छोटी भाई, कॉम्पैक्ट एसयूवी भी ले सकता था ना तू यार, अगर सुन मारुति लेनी है 10.5 लाख में ब्रेजा ले लेना, पॉइंट भाई, और बड़ा इंजन मिल रहा है, बड़ा इंजन मिल रहा है, सिंपल बात बता रहा हूं भाई, एसयूवी आ जाती बट वही है ना, एक बार जब बंदे ने बेस मॉडल चला ली ना तो फिर दुबारी किसी भी गाड़ी का बेस मॉडल पसंद नहीं आता। अच्छा आप बेस मॉडल उसकी बात कर रहे हो, ये खड़ी है जो स्विफ्ट है, ये जो ठुकी भी थी एक बार आपकी, अगर पब्लिक को याद हो तो ये निकाल दिया आपने, एक्सचेंज कर दी, कितने की बिक गई है? 4.5 की, 4.5 लाख रुपए की, और ये कितने की पड़ रही है फिर? ये 10,34,10,38,000 रुपए की। अच्छा सही है भाई, देखो टॉप वेरिएंट है ना आपका, तो इसमें सब कुछ ही आ रहा है, 360 डिग्री कैमरा, और अगर मैं इंटीरियर से आपको दिखाऊं थोड़ी सी इसकी लुक तो आप ऐसे देखोगे। तो ये परसों हुई थी, आज भाई ने ये निकलवा ली है, भाई को पसंद आ गई स्विफ्ट से, ऐसे लगा भाई को कि स्विफ्ट का रिप्लेसमेंट अब मेरी गाड़ी का यही होगा, तो लेते हैं बलेनो अल्फा। तो यहाँ पे भाई पेंसिल से स्केच सा लिया जाता है जो आपका चेसी नंबर इंजन नंबर वगैरह है। आप फोटो तो खींचो। चलो खींच गया साइड हो जाओ। सो गाइस यहाँ पे गाड़ी की डिलीवरी हो गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस बलेनो। ये हमको कैमरा वो भी मिल गया भाई, फुल कैमरे का। अरे सर पहले तो केक भी कटवा देते थे, वो बंद कर दिया अब डिस्कंटिन्यू, पोस्ट कटिंग, थैंक यू सो मच भाई। अब देखोगे बिल्कुल न्यू डिजाइन में यहाँ पे आपको सजावट मिलती है, देखिए कैसे लगाए गए हैं एकदम,
दीपक भाई, अब अपनी कार आपने ले तो ली डिलीवरी, अब हमको इसमें बिठाओ तो सही। आ जाओ वही बैठो, आपके लिए ही है। हमारे लिए ही है पक्का। तो अभी हम इसके इंटीरियर में आ चुके हैं भाई। जो मेन यू स्पिन इस कार की, पहले तो ये देखो भाई, इसमें 360 डिग्री कैमरा आता है। जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा ना, ये देखो कैसे डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से ये दिखाता है कि कार के नियर बाय कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं। तो मुझे लगता है दीपक आप इन्हीं सब चीजों को देख के एक्सपेक्ट हुए इस कार के लिए। हाँ, एक है फैंसी फीचर्स है तो ये देखो भाई, चारों तरफ बताता है कि कहाँ पे क्या है क्या नहीं है, आप कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हो। कार्टून सी नहीं लग रही है? कार्टून तो है ही भाई, मतलब व्हाइट कलर तो है नहीं यार गाड़ी का। ये देखो HUD, इसमें हेडसअप डिस्प्ले बाहर आती है, देखिए इस तरीके से। इसमें आपको स्पीड वगैरह और वो सब पता चलता है, लेकिन अभी कुछ नहीं आ रहा, जैसे चलेगी तब आएगा। अरे दीपक भाई, ये गिफ्ट लेके आया था भाई मैं आपके लिए, ये लीजिए, आपने नई कार ली आपके लिए इन्वॉल्व वन का परफ्यूम। ये हुई ना यार काम की चीज, ये है। और यार ये मतलब गाड़ी महंग जाएगी आपकी पूरी, तो यही है 500 रुपए के दे रहे थे यार ये तो। अच्छा 500 का दे रहे थे भाई, ये बहुत सही है। और इसकी वजह से महंग नहीं मिलेगी आपको इस सेगमेंट में, इसमें और क्या ऐसे टाक दो यार, तू प्रो तो है, सब बातों को पता है। ये स्प्रे वाला है भाई, इसमें स्प्रे करो आप, स्पिरिट वाला मैं भाई को गिफ्ट कर रहा हूँ भाई, बहुत सही कंसेंट्रेटेड परफ्यूम है इसकी। बोतल ना है 2 से 3 महीने आराम से चल जाएगी। ओहो भाई की कार में सबसे पहली महक इसकी है, 2-3 स्प्रे कर दो। हाँ यार कैसी लगी भाई महक गई ना एक नंबर। तो भाई involveyoursensi.com पे जाके बहुत सारे इनके फ्रेग्रेंस आते हैं, आप जरूर से चेकआउट करना, आप भी जरूर से खरीदना भाई, मजा आ जाएगा। जब खत्म हो जाए ना तो आपको ऑर्डर कहाँ पे करना है? involveyoursensi.com। अब नोट ही हो रही हो। अच्छी लोकेशन आ रही थी नेक्सा का शोरूम, ये कैसे नकली सी जगह आप आ गए? अब आपकी कोई इज्जत नहीं बची है वैसे। भाई जब तक गाड़ी शोरूम में खड़ी तब तक इज्जत रहती है भाई कार मालिक की। अब कोई कह देगा इससे गाड़ी का मालिक है? कोई कह सकता है भाई? आप लोग कह सकते हो गाड़ी का मालिक है? आकाश आकाश से तो फिर भी लग रहा है, देखना भाई। अरे यार मजा नहीं आया। अरे एनीवेज भाई, वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस, कितने लाख की पड़ गई? भाई 10 लाख 38 हज़ार की अपने भाई को पड़ी है। इसमें इसने लोन करवाया है भाई कितने लाख का? 4 लाख का लोन करवाया। बाकी इसने स्विफ्ट अपनी बेच दी 4.5 लाख रुपए की, एक्सीडेंटल स्विफ्ट थी वो। यार वेट करा दिया इतना, सुबह से बैठे हैं ये तो है। अरे इनका सबका ऐसे ही रहता कि RTO नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, कह रहे साइड डाउन है। अच्छा 4 घंटे लगा दिए उसी। बाकी मुझे दुख थोड़ा सा इस बात का हुआ कि हमको ये भाई भी मिले थे। भाई जी कैसे हो आप? ये भाई ने ली थी ये वाली बलेनो, और इस पर आप देखोगे अभी भी टेम्पररी नंबर है, और ये ले ली पुरानी। तो अब भाई मेरे को आप एक बात बताओ, अब आपको ये अच्छी लग रही है या फिर ये अच्छी लग रही है? बिल्ड क्वालिटी भी सही कर दी, फीचर्स भी बढ़ा दिए, तो आपको क्या लगता है भाई कि आप क्यों नहीं रुके इतने दिन? अगर आप थोड़े दिन रुक जाते तो आपको नया वाला पीस मिल जाता। मुझे तो गाड़ी परचेज करनी थी, टाइम मेरे पुरानी गाड़ी थी निकालनी थी। अच्छा डीजल की गाड़ी थी वो, उस वजह से। और RTO की प्रॉब्लम सबको ही बताते हैं? RTO वाली मेरे साथ करी थी। ये सबके साथ ही करते हैं कि RTO लेट चल रहा है उनकी बस। साइड डे डिलीवरी नहीं मिली थी, नेक्स्ट डे थी इन्होंने। अरे भाई वेरी सैड, ये तो बच गया, इसको सेम डे मिल गई। पर भाई देखो ये वाली बात है, जैसे टेल लाइट्स अगर आप इसकी बात करते हो और इसकी बात करते हो, थोड़े दिन में ना ये अच्छी लगने लग जाएगी। वही वाली चीज है कि आपको इनिशियली थोड़ी कोई चीज अगर आप इतने साल से 5 साल से देख रहे हो, मतलब ये जो डिग्गी पे दिया नहीं उन्होंने फालतू में, कोई काम नहीं है रिफ्लेक्टर। हाँ ये तो जल्दी वल्दी थोड़ी ना ये वाला चीज, तो अगर इसको भी चेंज नहीं करते तो फिर डिफरेंस ही नजर नहीं आता भाई बिल्कुल भी, कि नई वाली बलेनो है फिर पुरानी वाली बलेनो। इतने पैसे ले रहे हैं और सैड। चलो ठीक है भाई, अब आप जा सकते हो, कुछ मुंह मीठा तो करवा दो। मैंने तो आपको गिफ्ट भी दिया, आपने तो कुछ भी नहीं। तो भाई पूछ रहे किस नाम से तेरा चैनल? भाई इसने चैनल स्टार्ट किया भाई, क्या नाम है? स्टार्ट करा जाट बॉय के नाम से स्टार्ट करा है भाई। जाट पवार, जाट बॉय, JATBO भाई, जाट पवार है। अरे ये भी देते हैं नेक्स्ट वाले, नेक्स्ट वाले भाई। बधाई हो तेरे को, चल ठीक है चल। तो भाई हमारे भाई को तो बहुत बहुत बधाई, इतनी कम उम्र में मेहनत करके भाई ने बताओ टॉप मॉडल अल्फा ले लिया है, और इतने ज्यादा खुशी की बात क्या होगी अपने लिए। तो आकाश आपको तो मिल नहीं पाई भाई बलेनो, कैसा लग रहा है?
बट हमारे भाई को मिली है, हमको उस चीज से खुशी है यार। MID ने मतलब देखने को मिल गई है, तो पता नहीं कब किस पे बलेनो देखते। MID कांग्रेचुलेशन ब्रो आपको। चलो भाई यही थी पूरी डिलीवरी की वीडियो। 3 दिन के अंदर भाई ने पूरी डिलीवरी ले ली, कोई वेटिंग नहीं थी इस कार को। मतलब बहुत स्टॉक है, जो आज मैंने नोटिस किया ना डीलर्स के पास जाके, बहुत ज्यादा स्टॉक है बलेनो का। मेरे ख्याल से हैंड टू हैंड किसी को भी कोई सा वेरिएंट मिल सकता है, बस वो रहे थे वो कि पैसा दो और आप ले लो। हाँ बस कलर का थोड़ा हो सकता है, बाकी तो गाड़ी मिल जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत माल बनाती है कंपनी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।